दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिला में। मैं हूँ आपका दोस्त रेणुस टेक्नोलॉजी जहाँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज़ प्लांटिक्स ऐप। और भाई, प्लांटिक्स ऐप एक्चुअल में है क्या, कैसे इसको यूज़ करते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांटिक्स नाम से जो ऐप बनाया गया है, ये खास कर बनाया गया है प्लांट्स से रिलेटेड बीमारियों को जानने पहचानने के लिए। खेती बाड़ी से रिलेटेड जो स्पेशल, मतलब आपको एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर मैं इसको आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल नॉलेज जिनको नहीं होता है या नया नया जिन्होंने काम शुरू किया होता है और वो फसलों से जुड़ी हुई परेशानियां होती हैं उनको, उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। तो भाई, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं कि ये ऐप बनाया गया है जिसमें आपके अगर कोई फसल में कीटाणु लग रहे हैं परे, और जो मतलब बैक्टीरियाज लग रहे हैं, जो कि कीड़े ऐसे लग रहे हैं जिनको आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं और आपको समझने भी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए ऐप बनाया गया जिसमें आप फोटो खींच के इसमें आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं और आपको जो है उस हिसाब से नॉलेज उधर पे मुहैया कराया जाता है। तो भाई, प्लांटिक्स नाम से ऐप है, इसको कर लीजिए पहले तो डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में ओपन कर लीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब ओपन करने के बाद में आपसे सबसे पहले तो लैंग्वेज पूछी जाएगी, आपकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद में आपके सामने बहुत सारी परमिशन पूछी जाएगी जिसमें आप फोटोज़ अलाउ करिए, गैलरी अलाउ करिए, सारा कुछ अलाउ कर दीजिएगा और लोकेशन को भी अलाउ कर दीजिएगा। मैंने फ़िलहाल लोकेशन अलाउ नहीं की थी और जिसको मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ अपनी लोकेशन को। इससे होने से ये होगा, लोकेशन अगर आप अपनी अलाउ कर देते हैं तो वहाँ का जो तापमान है, बारिश है और हवा है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि भाई इस मौसम में अभी आपका ये तापमान है, उस हिसाब से आपको ये फसल लगानी चाहिए, या बारिश ऐसी है या हवा ऐसी है, तो उस हिसाब से आपका जो आप आएंगे डिसीजन लेने वाले फसल को बोने के लिए, वो आप वहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे चार फसलें पूछी जाती हैं जिनको आप सेलेक्ट कर लीजिए पहले ही, और उन्हीं फसल से जुड़े हुए सवाल जवाब आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका ये फ्रंट पेज खुल जाता है जहाँ पर मैंने केले की, कपास की और आम की और जो है अनार की फसल को चुना हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे नई फसल गाइड सुविधा यहाँ पे दी गई है जिसके अंदर में आप आपकी फसलों के लिए उपलब्ध फसल मार्गदर्शिता यहाँ पे बताई गई है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें इससे जुड़ा हुआ चाहिए है या उससे, जैसे चना हो गया तो उड़द या हरे चने मार्गदर्शन जानकारी यहाँ पे दी गई, जिसके अंदर में आपको पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आपको फसल को बोना है, ठीक है। उसके बाद में आपको अंकुरित होने तक बीज में कितना डिग्री तक वहाँ रहना चाहिए, न्यूनतम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, अधिकतम कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये मार्गदर्शिका मतलब एक डायरेक्टरी है, आप उसको खोल के देख सकते हैं। तो ये आपका होम पेज है जिसके अंदर मैं आपको उस एरिया का, जैसे मैं जबलपुर में रहता हूँ तो यहाँ का आपको अभी तो फिलहाल टेम्परेचर जो है यहाँ का 14 डिग्री है, मतलब ठंडा है रात के समय का। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक दिखाया जाएगा होम के अंदर में, और इसके बाद में एक जो दूसरा है वो है समुदाय का बटन है यहाँ पे नीचे, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग लोग जो कि अपनी अपनी परेशानियाँ यहाँ पे डालते रहते हैं, अगर आपको उससे जुड़ा हुआ कोई नॉलेज है तो आप जो है उसको उस प्रॉब्लम को वहाँ पे जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुवाद का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे ये जो डायरेक्शन वाला ऑप्शन बना हुआ है, पहले तो आपको इसमें लॉगिन करना होगा, अगर आप लॉगिन कर लिए हैं तो फेसबुक से भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, तो जिससे भी आपको सही लग रहा है उससे आप लॉगिन कर लिए, तभी आप सवाल जवाब वहाँ पे दे पाएंगे और ले पाएंगे। तो भाई, मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर देता हूँ फेसबुक से, आपको जिससे भी करना है आप उससे कर लीजिएगा, फेसबुक से बड़ा आसानी से हो जाता है, जो आपका ऐप डला होता है उसी के थ्रू ये लॉगिन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे अगर उसका कोई लाइक आपको करना है तो आपने ये कर दिया है और अप वोट कर दिया है, और या डाउन वोट करना है तो डाउन वोट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके यहाँ पे जवाब का एक बटन बना रहता है जिसमें दो जवाब लिखे हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये ऐसी परेशानी आपको भी आ रही है तो आप उसको देख सकते हैं। उसके नीचे जो दो जवाब दिए गए हैं उन जवाब को आप देख सकते हैं कि भाई 5 साल हो गए हैं, या क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उसका कोई उन्होंने उपचार नीचे दिया गया है, तो उसको आप वहाँ पर राइट या अप वोट कर सकते हैं या डाउन वोट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सही आंसर है तो अप वोट करिए, और नहीं लग रहा है कि गलत आंसर दे दिया है उसने तो डाउन वोट का बटन दबा दीजिए। इस हिसाब से क्या होगा, ये जब दूसरा व्यक्ति उसको ढूंढ रहा होगा तो उसको भी आपके जैसे जो प्रॉब्लम होगी उसको उसका या तो सोल्यूशन मिल जाएगा या तो उसका गलत आंसर का पता चल जाएगा कि ये आंसर गलत है। अब बात आती है अपनी कोई समस्या को आप कैसे अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है भाई, तो यहाँ पे पोस्ट लिखे हैं, और अगर आपकी जैसे आप यहाँ पे पहले तो यहाँ ऑप्शन दिया रहता है कि फसल स्वास्थ्य जांच जो है, डायरेक्ट आप यहाँ पे फोटो क्लिक करने का एक ऑप्शन दिया है,
इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको फसल की फोटो लेनी है। फिलहाल हम यहाँ फसल के खेत में नहीं बैठे हैं, तो मैं आपको बता बस रहा हूँ कि यहाँ से आपको सिंपल एक फोटो ले लेनी है फसल की। और वो ध्यान देना है कि उसके पहले आपको फसल में कि भाई वो फोटो आपकी क्लियर आ रही हो, उजाले में लें और क्लियर लें और फोकस एकदम बराबर करके लें, ताकि जो जान पहचान करने में उसकी आसानी हो कि भाई ये जो आपने फोटो लिया है ये बिल्कुल सही है और उसका जो निवारण है वो आपको तुरंत मिल सके। तो यह एक फसल है, नई तस्वीर लीजिए, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ एक फसल है तो वहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद में आपने किस चीज़ की फसल है उससे जुड़ा हुई फोटो ली है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। भाई आपने आम की फसल की फोटो ली है, आलू की ली है ना, उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। और करने के बाद में यहाँ पे आपको नीचे और दूसरे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि तुलना करें का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आपकी जो परेशानी है उससे ही जुड़ी हुई यहाँ पे अगर कोई परेशानी आपको लग रही कि हाँ यार ये सेम दिक्कत मेरे साथ हो रही है, तो आपको यहाँ पे तुलना करें में एक ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इससे आप अपनी चीज़ को मैच कर सकते हैं कि हाँ यार यही प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सेम प्रॉब्लम है तो मैच पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रॉब्लम वहाँ दी गई थी और उसका जो आंसर वहाँ पे दिया गया था वही आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि भाई ये सफ़ेद परेशानी है, इसका ये जैविक निवारण है और रासायनिक निवारण भी दिया गया है। मतलब आप केमिकल से भी कर सकते हो और जैविक निवारण भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आप जो है इसको पूरा देख सकते हैं और इसका जो निवारण है यहाँ से करने के बाद में आप उसको अप्लाई कर दीजिए। तो भाई ये आपका एक तरीका हो गया इसको निवारण करने का। इसके बाद में यहाँ पे एक जो खास चीज़ है आखिरी में दी हुई है, लाइब्रेरी। तो भाई लाइब्रेरी के अंदर में बहुत सारी अलग अलग फसलें हैं। तो यहाँ लाइब्रेरी है जिसके अंदर में आपकी जो फसलें हैं, जो आपने चार कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करी थी, वहाँ से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपकी फसल में आ सकती हैं उन सब का यहाँ पे गाइड दी हुई है कि भाई आपको ये परेशानी है तो आप यहाँ से फोटो देख के और उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको देख के कि हाँ यार मुझे यही परेशानी है तो इसका निवारण करना है। तो आपने जल्दी से उस पर क्लिक करा और उसका आपने यहाँ पे नीचे पढ़ लिया कि भाई ये लक्षण है, ऐसे ऐसे लक्षण हैं। आपने बोला हाँ यार यही लक्षण है मेरी जो फसल में हो रहे हैं, और आपने इसके नीचे पर ट्रिगर देखा और नीचे निवारक उपाय देखा और उसको सीधे उठा के वहाँ पर अप्लाई कर दिया। तो एक अच्छी डायरेक्टरी है, एक अच्छी लाइब्रेरी यहाँ पे है, जो मुझे मतलब इस कारण से ये ऐप पसंद आया क्योंकि भाई यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दी हैं जो निवारण है फसल की परेशानी है उससे जुड़ी हुई, आपको तुरंत उसका निवारण यहीं पे आपको मिल जाएगा। और उससे जुड़ा हुआ आपको क्या डालना है, कौन से इसमें डालना है, जैविक निवारण है या रासायनिक निवारण है, वो आपको तो यहीं पे पता चल जाता है और उसी के हिसाब से आप इसको देख के और डाल के उसका निवारण कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और एक नीचे गाइड का बटन यहाँ पे और दिया गया है और जिसके अंदर में आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस किस की आपने जो है जी परेशानी हो रही है। तो आप यहाँ पे मार्गदर्शिका यहाँ पे दी गई है जिसके बारे में आपकी पूरी डायरेक्टरी है, मतलब भाई हमें इसकी फसल बोना है तो इसके लिए हमें एक जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये गाइड के अंदर में आपको वो पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ इस फसल को आपको ऐसे बोना है, इतनी गर्मी होना चाहिए, इतना तापमान होना चाहिए, ये सारा कुछ जानकारी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये अच्छी ऐप है और आपको अगर इससे जुड़े हुए कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो इस ऐप का गूगल प्ले में जो डला हुआ है वहाँ पे भी जाके इसके क्वेश्चन कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में जो नॉलेज होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस ऐप को यूज़ करिए, इसमें अगर कोई परेशानी हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और बने रहिए टेक बेला में अन्य ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।